मैं सिद्धयाल कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पटोरी। एक बार पुनः इस सिद्धयाल कुमार लेक्चर पर जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैनी जारोज रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैनी जारोज रिएक्शन, जो कि जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं या फिर आईआईटी या फिर नीट का एग्जाम होता है या फिर और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ये रिएक्शन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्डिहाइड्स का पार्ट है। ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ये पार्ट है। बस समझ गए, ओके, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग जुड़ जाइए, और जो लोग अभी तक इस सिद्धयाल कुमार लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम लोग एल्डिहाइड्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैनी जारोज रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बात समझ गया। तो ये कैनी जारोज रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले ये आप समझेंगे, और कौन कौन एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कैनी जारोज रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच एटम न हो, वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच एटम न हो, यदि उसको हम कॉन्क एनएओएच के साथ गर्म करते हैं, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के क्या देता है, एक बार ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे देगा, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या दे देगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और दूसरी बार रिड्यूस होकर के यानी कि अवकृत होकर के क्या दे देगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। क्या दे देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैनी जारोज रिएक्शन। क्या कहते हैं, कैनी जारोज रिएक्शन। फिर से आप सुनेंगे, दोज एल्डिहाइड व्हिच डजंट हैव अल्फा एच एटम रिएक्ट विद कॉन्क एनएओएच, टू गिव एल्कोहल एंड सोडियम कार्बोक्सिलेट, ओके, बात समझ गए। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनी जारोज रिएक्शन। यही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, कैनी जारोज रिएक्शन। क्या कहलाता है, कैनी जारोज रिएक्शन। तो मतलब साफ है कि सभी एल्डिहाइड यह रिएक्शन नहीं देगा, वैसा ही एल्डिहाइड यह रिएक्शन देगा जिसमें अल्फा एच एटम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ओके, बात समझ गए। तो कौन कौन एल्डिहाइड यह रिएक्शन देगा भाई, ये फॉर्मल्डिहाइड तो आसानी से दे देगा, ये क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड या मिथानॉल, ठीक है ना, आसानी से दे देगा। उसी तरह से ये बेंजल्डिहाइड भी आसानी से दे देगा यह रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी अल्फा एच एटम नहीं है। उसी प्रकार से ये भी देखिएगा, ये भी एल्डिहाइड यह रिएक्शन आसानी से दे देगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा एच एटम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा एच एटम नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी कंपाउंड आपका ये कैनी जारोज रिएक्शन आसानी से दे देगा, ये सब आसानी से कैनी जारोज रिएक्शन दे देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा एच एटम बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा एच एटम कहने का मतलब क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन, तो इस अल्फा कार्बन से कम से कम एओएच होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अल्फा एच एटम है, लेकिन आप इन सभी में देख सकते हैं इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसमें अल्फा कार्बन है ही तो एच नहीं है, अल्फा एच एटम अब्सेंट है। ठीक है, इसमें भी अल्फा एच एटम अब्सेंट है और इसमें भी अब्सेंट है, इसका मतलब यह हुआ ये सभी कंपाउंड कैनी जारोज रिएक्शन देगा। ठीक है, ये बार बार पूछे आते हैं कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा एल्डिहाइड कैनी जारोज रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें अल्फा एच एटम ना हो वो सभी एल्डिहाइड कैनी जारोज रिएक्शन देगा, और क्या बना देगा, तो एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं मिथानॉल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड इसमें से ले लेते हैं, ठीक है, ओके, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के यानी कि अवकृत होकर के क्या बना देगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। क्या बना देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ओके, बात समझ गए। मतलब साफ है कि भाई इसमें एक ही कंपाउंड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसलिए यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। कैसा रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। कैसे, तो वो आप अभी देखेंगे। जैसे यहां पर मैं लेता हूं पहला मिथानॉल, क्या लेता हूं ये मैं मिथानॉल, ठीक है, तो इसी का एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तभी तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ओके, ये दोनों हमारा क्या है, तो मिथानॉल है, क्या है, मिथानॉल या फॉर्मल्डिहाइड, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन किया है, तो कॉन्क एनएओएच के साथ,
अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनाता है। चलिए पहला को मैं क्या करता हूं, ऑक्सीडाइज कर देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडाइज दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड ना, HCOOH। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसका सोडियम साल्ट बनता है क्योंकि ये NaOH ना है, ठीक है। तो स्वाभाविक है फॉर्मिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये सोडियम फॉर्मेट, क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट हुआ ना ऑक्सीडाइज। मैंने आपको पहले ही कहा कि सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, तो ये आपका क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है, ओके, सोडियम फॉर्मेट है, ओके। ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर, ओके। यानी कि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के ये बना दिया, बात समझ गया। चलिए दूसरा में क्या होगा भाई, तो इसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जब रिडक्शन होगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा, रिडक्शन का मतलब क्या जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एच, और ये ओ क्या हो जाएगा, OH। दैट मींस ये क्या बना देगा, CH3OH। कॉरेस्पॉन्डिंग देख सकते हैं आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाया, ओके, और कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाया ना। तो जैसा आप एल्डिहाइड लीजिएगा वैसा प्रोडक्ट आपको बना देगा। तो देख सकते हैं एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, अतः यह रिएक्शन हमारा क्या, कैसा रिएक्शन कहलाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यही है हमारा कैनिजारोज रिएक्शन, क्या है, कैनिजारोज रिएक्शन। अब यदि आप लेते हैं बेंजल्डिहाइड यहां पर, ठीक है, क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा आपका, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा ना, ओके। यहाँ पर एच के पर आपको क्या जाएगा, ये C6H5, ठीक है, तो ये C6H5 डबल ओएन सोडियम बेंजोएट, और यहाँ पर आपको क्या बना देगा, ये C6H5 रहेगा, तो C6H5 ये CH2OH हो जाएगा ना, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल वो बना देगा, ठीक है, ओके। तो अब आप इसमें से कोई भी एल्डिहाइड ले करके आसानी से इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था हमारा कैनिजारोज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। हमेशा आप याद रखेंगे कि एक का क्या होगा, रिडक्शन, तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, और रिडक्शन वाला कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। बात समझ गए, ओके, क्लियर। तो अब आप इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड लेकर के आसानी से ये रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कैनिजारोज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। अब इसी में एक और टर्म आता है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई यदि एक मिथानॉल और एक बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप दो अलग अलग एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, ओके, बात समझ गए। तो क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन क्या होता है, यदि कैनिजारोज रिएक्शन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि डिफरेंट एल्डिहाइड का उपयोग करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। ओके, इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए एक मैं लेता हूं क्या, तो फॉर्मल्डिहाइड जिसको मिथानॉल कहते हैं, ठीक है, ओके, और दूसरा मैं ले लेता हूं क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ओके, C6H5CHO, ये आपका क्या है, तो बेंजल्डिहाइड, बात समझ गए। चलिए ओके, तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा NaOH के साथ रिएक्शन करके, मैं आपको बता दूं, हमेशा हमेशा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी ना उसका ऑक्सीडेशन। अब मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई किसको ऑक्सीडाइज करे और किसको रिड्यूस करे, तो आप हमेशा याद रखेंगे, ये एक बेहतरीन ट्रिक है कि भाई जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसका उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा, HCOONa, ठीक है, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएगा, ठीक है ना, ओके। और जो बच गया यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ओके, यानी मिथानॉल का, और बेंजल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बात समझ गए, ओके। तो इसका रिडक्शन होगा तो स्वाभाविक है बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन, यानी कि क्या, तो बेंजाइल अल्कोहल, ओके, ये OH हो जाएगा, ये H और ये H, ये हमारा क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, क्या है, ये बेंजाइल अल्कोहल, और यही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, तो क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन, क्या कहलाता है, क्रॉस
कैनी-जारोल रिएक्शन, बात समझ गए। ओके, तो क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड, जिस कैनी-जारोल रिएक्शन में डिफरेंट एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन। क्या कहते हैं, क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन। अब आपको यहां पर इस फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, ओके क्लियर, जिसमें अल्फा एच एटम न हो। इसके साथ भी आसानी से रिएक्शन करके बतला सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं OCH3, ठीक है, OCH3। तो इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी आप आसानी से कर दे सकते हैं, ये क्या बना देगा, तो सोडियम फॉर्मेट यानी सोडियम मिथानोइड, और ये क्या बना देगा, तो यहां पर CH2OH हो जाएगा, क्लियर। ओके, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी एल्डिहाइड कैनी-जारोल रिएक्शन देता है या क्रॉस कैनी-जारोल रिएक्शन देता है वो कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं लेगा, बात समझ गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैनी-जारोल रिएक्शन। ओके क्लियर, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके समझ गए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।